यहाँ पर आपको खबर दें, कराची खुदादाद कॉलोनी सिग्नल पर फायरिंग से पुलिस का सब इंस्पेक्टर जख्मी हो गया है। गौस आलम नामी पुलिस सब इंस्पेक्टर को तिब्बी इमदाद के लिए जिला अस्पताल मुंतकल कर दिया गया है। फायरिंग करने वाले दो मोटरसाइकिल सवार फायरिंग करने के बाद मौके से फरार हो चुके हैं। तफसील जान लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ शुएब बर्नी से। शुएब बर्नी, बताइएगा पुलिस का क्या कहना है इस वाकये से मुतालिक। कराची में खुदादाद कॉलोनी सिग्नल पर अब से कुछ देर का पहले एक काले रंग की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। फायरिंग करने वाले मोटरसाइकिलों पे सवार चार मुलजमान पुलिस बताती है जिन्होंने फायरिंग करी है, जिसके नतीजे में इन्वेस्टिगेशन साउथ में तैनात पुलिस सब इंस्पेक्टर गौस आलम जो है वो जख्मी हुए हैं। बताया ये जाता है कि फायरिंग करने वाले हमला टारगेट लगाकर उनको चलती हुई गाड़ी पे निशाना बनाने की कोशिश करी। इस वक्त मैं उसी जाए वकुआ पर खड़ा हुआ हूँ, जिस तरफ स्टेयरिंग साइड होती है गाड़ी में उस तरफ का टूटा हुआ है और उस पर गोली का निशान मुझे दिखाई दे रहा है। इस वक्त यहाँ पे एसपी जमशेद भी पहुंच गए और दीगर पुलिस के अफसरान मौजूद है। जाए वकुआ पर अभी वो गाड़ी मौजूद है जिसपे फायरिंग हुई है, कुछ देर में इसका फॉरेंसिक वगैरह करने के लिए टीमें यहाँ पर पहुंचेंगी। पुलिस इस पर कोशिश कर रही है कि जाए वकुआ के अतराफ में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज की कैमरों की रिकॉर्डिंग कहीं से हासिल की जाए ताकि मुलजिमान का सुराग लगाया जा सके। ये खुदादाद कॉलोनी का सिग्नल जो है ये बहुत ज्यादा रश वाली जगह है क्योंकि बस स्टॉप है, यहाँ दुकानें कायम है, बहुत ज्यादा उस पर हुजूम का अभी तक फायरिंग का वाकया पेश आया है। ये गाड़ी है, जब फायरिंग इस गाड़ी पर हुई तो ये गाड़ी ये ड्राइवर थे जो जख्मी हुए फायरिंग के वाकई में पुलिस सब इंस्पेक्टर उनसे बेकाबू उसके सामने खड़े हुए करीब में रिक्शे से भी टकराई है। इस वक्त जो रिक्शा भी यहाँ पर खड़ा हुआ है इस वक्त तफ्तीशी टीमें जो है जाए वकुआ पर मुआयने के लिए मौजूद है। पुलिस और रेंजर के अहलकार भी इस वक्त यहाँ पर तैनात है और इस वाकई के हवाले से तफ्तीश जारी है। जो जख्मी होने वाले पुलिस सब इंस्पेक्टर है गोली उनके जिस्म के ऊपरी से यानी चेहरे की जानब लगी है और उनकी जान बचाने की पुलिस कोशिश कर अस्पताल जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस का ये कहना है कि मुलजमान ने इंतहाई पुलिस की जानिब से वाकई की तफ्तीश जारी है और फुटेज हासिल करने की कोशिश की जा रही है। अतराफ में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज हासिल करने की कोशिश की जा रही है पुलिस की जानिब से। पुलिस सब इंस्पेक्टर गौस आलम साउथ जोन शोबे तफ्तीश में तैनात थे, पुलिस का ऐसा कहना है, जिन्हें निशाना बनाया गया। आज उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई है, दो हमलावर बताए जा रहे हैं, दो मोटरसाइकिलें थी जिन पर चार हमलावर थे, उनकी जानिब से फायरिंग की गई है गौस आलम पर और वो जख्मी हो गए, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, उनके चेहरे पर चोटें आई हैं। खुदादाद कॉलोनी सिग्नल पर यह फायरिंग का वाकया पेश आया है। पुलिस का सब इंस्पेक्टर इस वाकये में जख्मी हो गया, जैसे तिब्बी इमदाद के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।